नदी की गहराई में क्या छुपा था? मोती हीरा नहीं, विदेशी शराब की बोतलें। शराब माफिया ने नदी में गोदाम खोल दिया। यह है बिहार का वाटर वर्ल्ड। बिहार में शराबबंदी के बाद माफिया इतने क्रिएटिव हो गए हैं कि उन्होंने नदी को ही गोदाम बना डाला। जी हां, आपने सही सुना। गया जिले के कोशिला गांव के पास पुलिस जब नदी के किनारे पहुंची तो लोगों ने सोचा ये क्या हो रहा है, कोई खजाना तो नहीं मिल गया। लेकिन असल में नदी की गहराइयों में कुछ और ही छुपा था। शराब माफियाओं ने नदी में गड्ढे खोदकर वहां शराब की पूरी फैक्ट्री बना रखी थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नदी में कुछ गड़बड़ हो रही है। मगध विश्वविद्यालय के थानाध्यक्ष रणविजय सिंह ने अपनी टीम के साथ जब यहां छानबीन की तो नजारा देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। मतलब सोचिए, नदी की तलहटी में मछलियों के बीच विदेशी और देसी शराब की बोतलें छुपा कर रखी गई थी। अब आप समझ गए होंगे कि ये माफिया कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। पुलिस ने कई घंटे की मेहनत के बाद इन बोतलों को निकाला और थाने लेकर गई। अब थाने में देशी और विदेशी शराब की गिनती हो रही है। लोग भी पुलिस को नदी में से बोरे निकालते देख हैरान रह गए। सोच रहे होंगे क्या पुलिस यहाँ मछली पकड़ने आई है या कुछ और। लेकिन जैसे ही शराब की बोतलें निकली, पूरा माजरा समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि माफिया कितनी जल्दी फिर कोई नया ठिकाना ढूंढ निकालेंगे, कहीं अगला गोदाम बादलों के ऊपर ना बन जाए। NDTV ऑनलाइन की रिपोर्ट।